ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है। सिरोल पहाड़ी पर आज सुनवाई होगी। पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे और रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी और उसके बाद आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों के साथ ही साथ विधायक ने प्रदर्शन किया था, भूख हड़ताल की थी और प्रशासन के खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और फिर कुछ दूसरे मंत्री गए थे, तब काफी मान मनोवल के बाद विधायक महोदय माने थे और आज जो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया था पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने को लेकर के, आज हाईकोर्ट में उसको लेकर के सुनवाई होने वाली है। देखने वाली बात होगी कि सुनवाई में क्या कुछ निर्णय लेती है हाईकोर्ट। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने ही पहले आदेश दिए थे पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने के लिए, उसके बाद रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी और आज उस रिव्यू पिटीशन के आधार पर सुनवाई होनी है। तो जनता लगातार इस अतिक्रमण का विरोध कर रही है। सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि जो विधायक है क्षेत्र के वो भी उधर पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी वहां पर अनशन किया था। उसके बाद जो तमाम दूसरे मंत्री थे वो पहुंचे थे और फिर खुद ही उन्होंने वहां पर जाकर के अनशन समाप्त करवाया था और दिलासा दिया था कि आगे जरूर इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। और अब जो रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी सिरोल पहाड़ी पर अतिक्रमण को लेकर के, आज हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, उसके बाद रिव्यू पिटीशन दायर किया गया था कि एक बार फिर से पुनर्विचार किया जाए हाईकोर्ट अपने आदेश पर और आज उस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होनी है। आईबीसी 24 आपको इस सुनवाई के बारे में भी जानकारी देगा आपको, लेकिन उससे पहले हमने आपको ये भी बताया था कि प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ विधायक और स्थानीय लोगों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे नासिर से। नासिर, सिरोल पहाड़ी पर जो रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी, आज सुनवाई होनी है, उस पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, ये मामला कल भी लगा था लेकिन कल ये मामला आगे बढ़ गया था, लेकिन आज इस सुनवाई पर सबकी निगाहें लगी हुई है क्योंकि बीजेपी इस मामले को लेकर सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि कोर्ट की अपमानना कांग्रेस के विधायक मनोहर लाल ने की है। और जैसा कि इस आदेश में पहले कहा गया था हाईकोर्ट के आदेश में कि जो एंक्रोचमेंट है सिरोल पहाड़ी से वो हटाया जाए, उसको लेकर मुन्ना लाल गोयल है जो कांग्रेस के विधायक वो आंदोलन कर रहे हैं और उसी को लेकर आज उन्होंने रिव्यू पिटीशन है वो फाइल हाईकोर्ट के अंदर की थी और रिव्यू पिटीशन पर आज सिंगल बेंच में सुनवाई है। सभी की निगाहें उस पर लगी हुई है कि उस कोर्ट के आदेश जीता है क्योंकि सिरोल पहाड़ी पे जो लगभग 98 जो रहवासी है उन्होंने अतिक्रमण करके वहां पर अपनी झोपड़ियां बसा ली है और उनके समर्थन में मुन्ना लाल गोयल है कांग्रेस के विधायक वो खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि पहले इनको हटाया तभी जाएगा जब इनको पट्टे दिए जाए। तो कुल मिलाकर आज इस फैसले पर सबकी निगाहें हैं वो टिकी हुई है। ठीक है नासिर, आप नजर बना के रखिएगा, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। को बता दें, हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे और उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर किया गया था और आज रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होने वाली है। स्थानीय लोगों के साथ विधायकों ने प्रदर्शन किया था और प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ ही प्रदर्शन किया गया था। भूख हड़ताल पर भी विधायक महोदय बैठे थे और फिर उसके बाद काफी मान मनोवल के बाद उनका धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया था और सिरोल पहाड़ी पर आज सुनवाई होनी है रिव्यू पिटीशन पर।